कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्होंने मेरे दो चुनाव लड़े, ईमानदारी से आप बताइए, जिन्होंने मेरे दो चुनाव लड़े ये वो कार्यकर्ता बैठे हैं। और आप सौगंध है आपको जिसकी लगे उसकी, आप ईमानदारी से बताओ कि इस चुनाव में आपको मैंने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कही है कि नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए आप। फिर धीरे धीरे कानों में मैडम क्या कर रही है, मैडम क्या कर रही है, किससे पूछ रहे हो? मैं कुछ कर रही होती तो आपको कहती ना, आप ही को कहती ना, बताओ तो सही, जवाब तो दो। जब मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अधिक वोटों से जिताना यहाँ पे, फिर ये धीरे धीरे कानों में फूंक मारने की बात कौन कर रहा है? मैं बता रही हूँ कौन कर रहा है, ये वो कर रहा है जिसकी नियत में फर्क है, और ये वो कर रहा है जिसको चुनाव की चिंता नहीं है, किसी के कपड़े उतारने की चिंता में लगे पड़े, ये वो लोग कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग मुकालदे में है, कुछ लोग वहम में है, कुछ लोग भ्रम पाले भी बैठे हैं कि मैडम ने 2019 में आंडियो इनका है, तो मेरा तो चुनाव लड़ने वाले आप हो, आप तो यहाँ बैठे हो सारे, ये मंच बैठा है पूरा, ईमान धर्म से तीन ईमान से नीले छतरी वाले के नीचे बैठ कर आप ईमानदारी से बताओ, भारत जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से लगा है कि नहीं? और कोई दो पांच लोग अगर नाराज हैं तो हो सकता वो मुझसे नाराज ही होंगे, या इनसे नाराज होंगे, या किसी और से नाराज होंगे। और क्या मैं चुनाव लड़ती तो 53,000 ला जाते हैं आप? कुछ नहीं कह सकते चुनाव का। आज मित्रों एक बार ताल ठोक कर मैं कह रही हूँ, श्रवण कुमार मेरा व्यक्तिगत दुश्मन है, मेरा राजनीतिक दुश्मन नहीं है, मेरा व्यक्तिगत दुश्मन है। और इस बड़ी सभा में किसी और आदमी का वो व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है जितना वो मेरा है, क्योंकि मेरे बेटे के ऊपर गोली चलाने वाला वो शख्स है। तो धीरे धीरे कानों में करने की बात है, 4 दिन बचे हैं, कानों में बात करने के चक्कर में निकल जाओगे, लग जाओ, लग जाओ। चुनाव अपन जीत रहे हैं आज के दिन, चुनाव हम जीत रहे हैं आज के दिन। अगर चुनाव में कोई गड़बड़ होगी तो आप लोगों के कारण, किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं। मैं पहले भी आपको